बैठी है। मुझे वो दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता। शालू, शालू, आराम से बाबा प्लीज। फेर हैं, पति नहीं जो बाद में बदलने का मौका मिले। पति बदलना होता तो इतने करवा चौथ के व्रत नहीं रखती। कैसे हैं चाचा? 6 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए? सीढ़ियों को अपना बना लिया। एक बात कहूं शालू, हमारा ये घर, तुम, हमारी छोटी सी ये दुनिया, अब मेरे पास जो भी है बस यही है। पता नहीं आने वाला वक्त हमें क्या दिखाएगा, पर ये आज, ये पल, ये एहसास कभी नहीं बदलेगा। कभी नहीं? कभी नहीं। मर गया तो साया बनकर तुम्हारे साथ घूमूंगा। बहुत हो गई मरने की बातें, पहले थोड़ा जी तो ले। पीते हुए पल को पकड़ के बैठे रहेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। और आगे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर से बिजली का बिल भरना भूल गया। करण,
मुझे नहीं पता था इतने सालों के बाद भी मुझे देख के तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं। सांस ले लो शाली। करण, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। घर में कोई है? हाँ, है ना हम दोनों। करण, ये पांव के निशान देखो। टीचर जी, आपको वो भी दिखाई दे जाता जो दूसरों को नहीं दिखाई देता। गलती हो ना हो, आप स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे ही देती हैं। करण, ऑब्वियसली मेरे और शुभू के हैं। बिजी हो? नहीं। लग ही रहा था। पापा आ जाओ। कुछ कहा? पापा आओ ना। मैंने नहीं, उसने। पापा आ जाओ। अरे शुभम, बारिश में क्या कर रहे हो? अंदर आओ। पापा को भेजो। बाद में मिलता हूँ, बिजी मत हो जाना। शुभो, चल जाओ। नहीं। अच्छा, मम्मी बुला रही है। नहीं, किसने बोला बारिश में क्रिकेट नहीं खेल सकते? अरे नहीं खेल, किसने बोला बारिश में क्रिकेट नहीं खेल सकते? चल अंदर, चल चल अंदर, बताना तुम लोग। हमका माफ करो टीचर जी, मिस्टेक करेंगे ना फिर कभी, हम साफ करेंगे घर अभी अभी। अब तुम कहोगे कि ये भी 6 दिन पुराने हैं। रह गए होंगे शालू। करण, शालू, नहीं, अभी वक्त ठीक नहीं है। मम्मा, 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 शालू मैं साफ कर देता हूं, पहले कुछ खिला दो प्लीज। करण तो क्या, उसकी पूरी फैमिली ना एक ही काम में लगी रहती है, शुभो को स्पॉइल करने में। और ये शुभो भी ना, एक बार दद्दू की गोद में बैठकर टीवी देखना शुरू करता है, सब भूल जाता है। इतनी रात हो गई है, लगता है पापा जी को फोन करना ही पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, करण, अरे शालू कैसे गिर गई? हाँ, अच्छा चल, उठो उठो।
अरे उठा क्यों रहे हो, हाथ में चोट लगी है ना। अरे तुम तो कुछ करने ही नहीं देती। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, बैठो, दिखाओ दिखाओ, कहाँ लगी? मुझे ऐसा लगा कोई था, मुझे लगा मैंने शुभू को देखा। अरे जब मैं शुभू को लेने नहीं गया तो फिर कहाँ से दिखेगा? जब से दादा दादी के घर में कलर टीवी आया है ना, शुभू संडे के संडे वहीं पहुंच जाता है, और पढ़ाई पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उसका। पढ़ाई लिखाई से कभी किसी का कुछ हुआ है? धीरे धीरे जाना उस निंदिया की दुनिया में, सूरज चांद सितारे देखें रास्ता उस नगरी में, आऊंगी मैं वहां भी पीछे पीछे तेरे ही, खेलेंगे हम फिर से वही आंख मिचोली आंख मिचोली। धीरे धीरे जाना उस निंदिया की दुनिया में, सूरज चांद सितारे देखें रास्ता उस नगरी में। शुभू का काम है, शुभू को ही करने दो। आया क्यों नहीं वो अभी तक? दादा दादी के साथ है, आ जाएगा। वैसे शुभू के बिना रहने की आदत डाल लो। अब मेरे कहने का मतलब है, बड़ा हो रहा है ना, पढ़ाई लिखाई क्रिकेट फ्रेंड्स के बीच में तुम्हारे लिए टाइम कहाँ निकाल पाएगा? ले दे के बचा, मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर। इतनी मुश्किल से आज मिला है, कल का क्या भरोसा? ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल। मम्मी
शुभम। शुभम देखो तुम। मैंने शुभम को देखा अभी यहाँ यहीं था वो। शालू, शुभम यहाँ नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है ना? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसे पैरों के निशान दिखाती हूँ। चलो चलो मेरे साथ। ये देखो शुभम के पांव के निशान। शुभम यहाँ नहीं है शालू। तुम चलो मेरे साथ। ये इधर करण, मेरा यकीन करो, मैंने शुभ की आवाज भी सुनी और उसके पांव के निशान भी थे वहां पर। शुभ ना कहीं छुप गया है बस। शुभ, शुभ देखना अभी बाहर आएगा और 100 बहाने बनाएगा। शुभ, शुभ यहाँ हो ही नहीं सकता है। तुम ढूंढो ना उसे करण। करण कंट्रोल योरसेल्फ यार। अरे क्या कंट्रोल करो, तब से तुम्हें कह रही हूँ शुभ आगे, शुभ आगे। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं शुभ इस मर चुका है। He's dead. तो मरे हुए लोग वापस लौट के नहीं आते। तुम क्यों बुलाने की कोशिश कर रहे हो? उस दिन क्या हुआ था? शुभम पांव अंदर रखो। करण समझाओ ना। शुभ पैर अंदर करो बेटा। शुभम यहाँ ही है, मैंने खुद उसे देखा है। वो तकलीफ में है, मुसीबत में है, करण हमें बता नहीं पा रहा है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उसे महसूस कर सकती हूँ मैं। शुभ दादा दादी के घर पे है, यही कहा था ना तुमने? कहा था ना करण? फोन लगाओ मम्मी जी को, मैं ही लगाती हूँ। वो वहां नहीं है क्योंकि वो बस शुभो, शुभो, शालू, प्लीज, शालू, प्लीज, उसे मुक्ति दे दो यार, प्लीज, मैं थक गया हूँ, रोज़ के झूठ से, वहम से, मनगढ़ंत कहानियों से, मैं थक गया हूँ, आंखें खोलो यार, अपनी देखो, आसपास कहीं है शुभम, हाँ, नहीं ना, क्योंकि वो मर चुका है, इज डेड यार, हमारा शुभम बिजी हो? तुम्हारे लिए कभी नहीं।
तो फिर एक काम करो, शुभू को जाकर ले आओ। बैंडेज कहाँ गया तुम्हारे हाथ का? बैंडेज भी गया और दर्द भी। और सुनो, आते वक्त ना बिजली का बिल भर देना, शुभ बिना पंखे के नहीं सो सकता। तुम गए नहीं अभी तक? शुभ को वो ब्रेड पुडिंग पसंद है ना, वो भी ले आना। ये सब मेरा वहम तो नहीं? शुभू के कपड़े, ये किसने ये? पास भी नहीं आ रहा, भगवान जाने किसने उसकी हालत की। अब तो तुम पूछो ना उससे। वो बेटा, बेटा अपने पापा से तो बात करो। ये हमारा शुभम नहीं। करण मजाक करना बंद करो, चोट लगी है उसे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा शुभ नहीं है। करण,
ना रुको, वो घबराया हुआ। रुको यहाँ पर। बेटा आप घबराओ नहीं, हम आपके दोस्त हैं। करण जी क्या कह रहे? आपका नाम क्या है? शुभम। देखा मैंने कहा था ना, ये हमारा शुभ है। ये हमारा शुभम नहीं है शालू। पर मैंने इसको कहीं देखा है। पेपर न्यूज़पेपर, आपको कोई यहाँ लेके आया है क्या? जबरदस्ती आपको किसी ने किडनैप किया है? करण ये हमारा शुभ। आंटी आंटी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मम्मा आ जाओ ना। धीरे धीरे जाना उस निंदिया की दुनिया में, सूरज चांद सितारे देखे रास्ता उस नगरी में, आऊंगी मैं वहां भी पीछे पीछे तेरे ही, खेलेंगे हम फिर से भी आँख मिचोली आँख मिचोली। शुभु ने सब कुछ खुद ही अपनी मम्मी को बता दिया। कभी कोई सीक्रेट नहीं रख पाता था ना, तो ये कैसे छुपा था? सब मेरी गलती है। काश उस दिन मैंने गाड़ी चलाने की जिद ना की होती। काश शुभम को विंडो ना खोलने दी होती। मेरा सच को कबूल ना करना तुम्हारे लिए सजा बन गई। नहीं है ना करण, मैं अपने आप को गुनाहगार मानकर इतनी खो गई कि तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पाई। चुप चुप शालू, किस्मत के आगे काश वाश अगर मगर कुछ नहीं चलता। उसे जाने दो शालू, शुभ को अपनी यादों में कैद करके इस दुनिया में मत रखो, उसे मुक्ति दे दो प्लीज, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपने शुभ को तो नहीं बचा सके, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है आंटी। हम ले जाएंगे बेटा, हम
हम ले जाएंगे। हाँ किडनैपर होगा, तुम इसे कमरे में लेके जाओ। और तुम, उसके पास हथियार हो सकते हैं ना? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम कमरे में जाओ। करण, वो खतरनाक है। शालू, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ, 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 जाओ। इसे किसने मारा? आंटी ने। आंटी ने? करण, चाचा ने हमें अनदेखा क्यों कर दिया? मुझे गोली लगी पर कुछ हुआ नहीं। करण, क्योंकि मरे हुए लोगों को कुछ नहीं हो सकता। मरे हुए?
इसे किसने मारा? आंटी ने। आंटी ने? कैसे हैं चाचा? चाचा! मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि हमारा शुभू अब नहीं रहा और उस वजह से उसे मुक्ति भी नहीं मिल पा रही थी। और तुम? तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है मैंने? तो फिर इतने दर्द भरे सफर में तुम्हें अकेले कैसे? सात फेरों के सात वचनों का मान रखा है तुमने करण, पर आज उस बच्चे की वजह से मुझे सच्चाई का एहसास हो गया। हमारे शुभ को मोक्ष मिल गया, आजाद हो गया वो। वैसे तुम्हें अकेला छोड़ देता तो करवा चौथ किसके लिए रखती?